हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का, या कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का CUET PG फिजिक्स के लिए। और मैंने आपको कहा था जो मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, उनमें एक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिला होगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि जिस तरह से NCERT के वन लाइनर आप लोग पढ़ते थे 11th 12th क्लास में, उसी तरह से वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मोस्टली एक्सपेक्टेड कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हो सकता है कि जो अगले 6-7 दिनों में मैं क्वेश्चंस दूं आपको वन लाइनर, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। तो अगर हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर, और 10 से 15 मिनट जो कि आप फास्ट फॉरवर्ड रिविजन में आप इन क्वेश्चन को देखेंगे, 10 से 15 मिनट डेली आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं, तो उससे ज़्यादा बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आज का जो ये लेक्चर है, आज का जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि CUET PG सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं। ये क्वेश्चंस भी कल की तरह ही सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल इनमें मैंने एक भी नहीं डाला है। तो जो भी सिलेबस न्यूक्लियर फिजिक्स का दिया हुआ है CUET PG फिजिक्स के सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। और जब आप इन वीडियोस को देखें या इस वीडियो को देखें, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको 1.75x पे या 2x पे देखना, सो दैट जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सको, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं आपके पास कि आप इनको देखते रहो वीडियो को, एक एक घंटे के और 20-20 मिनट के जो भी वीडियो हैं, टाइम तो लगता ही है। तो उसको 2x पे देखना, 2x पे देखना, क्योंकि इनके मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा नहीं। एक्सप्लेन जो मैं कर चुका हूँ वो मेरे पहले के वीडियोज़ में मैं सारा कर चुका हूँ। ये तो सिर्फ आपके लिए एक तरह से क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूं, जिनके आंसर मैं आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फ्रॉम NZ ग्राफ, यानी कि जो न्यूक्लियन और जो एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनता है, इट अपियर्स दैट, ये बताता है स्लोप ऑफ NZ कर्व एक्सीडेड आई फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, NZ फॉर N इक्वल्स टू Z फॉर लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाई, और मोर स्टेबल आइसोटॉप्स आर देयर अराउंड Z इक्वल्स टू 56 एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमें ये पूछा है कि जो NZ कर्व बनता है उसके लिए कौन सा सही है। NZ कर्व आप इस तरह से बनाते हैं, ये N होता है, यहाँ Z होता है, इस तरह से लाइन आती है, एक ऊपर जाती है और एक इस तरह से नीचे जाती है। ये इस बात को बताती है कि क्या कौन सी रेंज में जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होंगे और कौन सी रेंज में न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होंगे, वो पूरा का पूरा थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, स्लोप ऑफ NZ कर्व एक्सीडेड आई फॉर एक्सीडेड वन फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियाई के लिए इसकी स्लोप ज़्यादा होती है, NZ फॉर N इक्वल्स टू Z फॉर लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाई, बिल्कुल ठीक है, मोर स्टेबल आइसोटॉप्स आर द देयर अराउंड Z इक्वल्स टू 56, Z इक्वल्स टू 56 यानी कि फेरस, लोहा, लोहे के आसपास जो न्यूक्लियस है उनके जो आइसोटॉप्स है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर है, क्या है, सही ऑप्शन होंगे। दूसरा क्वेश्चन है द इंट्रेंसिक इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट, द इंट्रेंसिक इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस ZXa, इंट्रेंसिक डायपोल मोमेंट क्या होगा किसी न्यूक्लियस का जिसका एलिमेंट जो हमें दिया हुआ है ZXa। पहला ऑप्शन है इंक्रीज विद Z बट इंडिपेंडेंट ऑफ A, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज विद Z बट इंडिपेंडेंट ऑफ A, तीसरा ऑप्शन है इज ऑलवेज जीरो, और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज विद Z एंड A। तो इसका आंसर क्या आएगा, इज ऑलवेज जीरो। इंट्रेंसिक डायपोल मोमेंट जो होता है न्यूक्लियस जो ZXa है वो हमेशा क्या होता है, उसका जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। न्यूक्लियाई विद इवन ए, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें जो एटॉमिक मास है वो क्या हो, इवन हो, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें एटॉमिक मास इवन हो वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, क्या वो फर्मी ड्राइक को फॉलो करते हैं, क्या वो बोस आइंस्टीन को फॉलो करते हैं, या दोनों को फॉलो करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके जो एटॉमिक मास हैं वो इवन नंबर होते हैं वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और जिनके जो एटॉमिक मास है वो ऑड नंबर में होते हैं तो वो फर्मी ड्राइक को फॉलो करते हैं। तो ये किसको फॉलो करेंगे, बोस आइंस्टीन को, और जिनके ऑड है वो किसको फॉलो करेंगे, फर्मी ड्राइक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं या हैव नो नॉन सेंट्रल पार्ट, दूसरा ऑप्शन है स्पिन डिपेंडेंट एंड हैव अ नॉन सेंट्रल पार्ट। देखो यहां लिखा है नो नॉन सेंट्रल पार्ट, यहां पर लिखा है
अ नॉन सेंट्रल पार्ट, तीसरा है स्पिन इंडिपेंडेंट। देखो ये तो गलत हो गया क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होता है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। तो स्पिन डिपेंडेंट यहां पर भी है, स्पिन डिपेंडेंट यहां पर भी है। अब बात ये आ रही है कि एक ऑप्शन में लिखा हैव नो नॉन सेंट्रल पार्ट और एक पार्ट में लिखा हैव अ नॉन सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल पार्ट का मतलब जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ, ठीक है। नॉन सेंट्रल का मतलब नहीं है, सेंट्रल का मतलब है और नॉन सेंट्रल का मतलब नहीं है। तो नो नॉन सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक बात है, और इनका कोई भी नो नॉन सेंट्रल पार्ट नहीं होता, कोई भी पार्ट सेंट्रल नॉन सेंट्रल पार्ट नहीं होता है ना, ये बात समझने की, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इनके पास कोई भी नॉन सेंट्रल पार्ट नहीं होता, एक ऑप्शन में लिखा है होता है, एक ऑप्शन में लिखा है नहीं होता, तो इनके पास नहीं होता, दूसरे ऑप्शन में लिखा है होता है, तो नॉन सेंट्रल पार्ट होता है, क्या लिखेंगे आप, होता है, ए ए नॉन सेंट्रल पार्ट है ना। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं, इस बात को ऐसे ध्यान रखना कि न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं, पर न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं इसलिए इनके पास कौन सा पार्ट होता है, नॉन सेंट्रल पार्ट होता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डेविएशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियस, डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियस फ्रॉम स्पेरिकल सिमेट्रिक कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग इट्स, फ्रॉम स्पेरिकल सिमेट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग इट्स। किसी भी न्यूक्लियर डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करना है, डेविएट, उसका जो डेविएशन है उसको हमें मेजर करना है स्पेरिकल पार्ट के लिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज या मैग्नेटिक डायपोल से हम उसको मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से उसको मेजर कर सकते हैं, या फिर हम उसको इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका, आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या ऑप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। न्यूक्लियर क्वाड्रिपोल मोमेंट, न्यूक्लियर क्वाड्रिपोल मोमेंट जो है उसको हम क्यू से लिखते हैं, इस क्यू की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, इस क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, इस क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो भी हो सकती है। जब क्यू की वैल्यू बराबर जीरो होती है तो ये सिमेट्रिकल होता है, स्पेरिकल होता है, ग्रेटर देन जीरो होती है तो ये प्रोलेट बन जाता है, लेस देन जीरो होता है तो ये ऑबलेट बन जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। दैट मीन्स कि हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, डी आएगा, हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द युकावा थ्योरी द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस अकर्स वाया द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएगा, न्यूक्लियर फोर्स अकर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन्स आएगा, न्यूक्लियर फोर्स अकर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स अकर्स वाया द एक्सचेंज ऑफ। युकावा थ्योरी किसकी बात करती है, पाई मेसोन, तो तीन तरह के होते हैं, एक होता है पाई प्लस, एक होता है पाई माइनस और एक होता है पाई जीरो। तो जिस तरह से हम बैडमिंटन खेलते हैं, एक इधर से ट्रांसफर, एक उधर से ट्रांसफर, फिर इधर से, फिर उधर से, तो ठीक इसी तरह से ये जो पाई मेसोन है इन दोनों के बीच में खेलते हैं, एक बार प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन, इस तरह से। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई मेसोन। फिर पूछा है रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज नियरली, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है, न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो होती है 2 फर्मी। द शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, अब इनके जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होनी चाहिए। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इज, पहला ऑप्शन है चार्ज डिपेंडेंट, दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी डिपेंडेंट, तीसरा ऑप्शन है स्पिन डिपेंडेंट, चौथा ऑप्शन है आइसो स्पिन डिपेंडेंट। तो स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, हम पीछे भी देख क्या है, तो स्ट्रॉन्ग रेंज न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसके लिए मैक्सिमम होती है, Fe56 के लिए मैक्सिमम होती है ना, Fe56 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होती है, याद रखेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं। हमें पूछा है पैकिंग फ्रैक्शन, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज, एक न्यूक्लियस का पैकिंग फ्रैक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, जीरो मे बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास 20 से कम हो या 150 से ज़्यादा हो, 20 से कम हो या 150 से ज़्यादा हो, उनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो होता है नेगेटिव। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास 20 से कम हो, 150 से ज़्यादा हो, उनका पैकिंग फ्रैक्शन होता है नेगेटिव। न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास 20 से और 150 के बीच में होता है, 20 to 150, उनका पैकिंग फ्रैक्शन होता है पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों हैं।
वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू ए, स्मॉलर फॉर लाइटर न्यूक्लियाई एंड लार्जर फॉर हैवी न्यूक्लियाई, डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। देखो डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के अंदर तो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहती है, जैसे ही आप न्यूक्लियस की सरफेस पर पहुंचते हैं तो उसके बाद वो डिक्रीज मरना चालू हो जाती है, अप्रॉक्सीमेट जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है, ए होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है। अज्यूमिंग द न्यूक्लियस टू बी स्पेरिकल, यदि कोई न्यूक्लियस स्पेरिकल है तो उसकी रेडियस प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, है ना, आप ये पढ़ते हो, आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। इससे आपके ऊपर न्यूमेरिक, यहाँ से इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस पे। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस का जो ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का क्या होता है, 1 फर्मी होता है, क्या होता है, 1 फर्मी। Assuming the nucleus to be spherical, the average momentum of nucleon varies proportional to, average momentum पूछा है, तो average momentum जो proportional होता है a power 1 minus 1/3, a power minus 1/3। वहीं अगर kinetic energy की बात करें तो kinetic energy आएगी a power minus 2/3। ध्यान से सुनो, अगर बोला जाए, क्या बोला जाए आपको, बोला जाए momentum, यहाँ पर लिखा है momentum, तो momentum के केस में आंसर आएगा a power minus 1/3। यहां पर बोला गया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहां पर बोला गया है एवरेज मोमेंटम, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो ए पावर माइनस 2/3, एवरेज मोमेंटम की बात हो रही है तो ए पावर माइनस 1/3। द न्यूक्लियर रेडियस इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस अप्रॉक्सीमेटली बाय फैक्टर, न्यूक्लियस रेडियस और एटॉमिक जो रेडियस है उन दोनों का जो रेशो है वो पूछा है यहां पर, उन दोनों का जो रेशो आता है वो कितना आता है, 10^2 का, कितने का रेशो आता है, 10^2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर की जो डेंसिटी आती है न्यूक्लियस की, उसका ऑर्डर क्या होता है, तो 10^17 आता है, 10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन ए लेस देन 20 है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, देखो ए लेस देन 20 और ए ग्रेटर देन 180, इन दोनों के लिए जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, इन दोनों के बीच की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके एवरेज से कम होती है, और वो हमेशा 8 MeV से क्या होगी, कम होगी, 8 MeV से कम होगी। द पॉजिट्रॉन डिके, पॉजिट्रॉन डिके का मतलब हो गया बीटा प्लस डिके, और अगर इलेक्ट्रॉन डिके बोला जाए तो बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके जब भी होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, और जब भी बीटा माइनस डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, जब बीटा माइनस डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, बीटा प्लस डिके होगा जब एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा। बीटा प्लस डीके या पॉजिट्रॉन डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर दोनों सेम कहानी है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और बीटा प्लस डीके में भी न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां पर भी एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा दोनों केस में, और जबकि हम बीटा माइनस की बात करेंगे तो वहां पर एटॉमिक नंबर 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर हमें पूछा है पॉजिट्रॉन डिके और द बीटा प्लस डिके कंपीट्स विद, तो ये किसके साथ कंपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ डज द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस आफ्टर बीटा माइनस डिके, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, बीटा माइनस डिके में क्या होता है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो किस तरह से चेंज होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, किस तरह से डिक्रीज चेंज होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई न्यूट्रॉन चेंज हो गया प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या हो गई बढ़ गई, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। द डिके ऑफ फ्री प्रोटॉन इंटू अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, यानी कि ये बीटा प्लस डिके की बात हो रही है, इज नॉट अलाउड, बीटा प्लस डिके इज नॉट अलाउड, दिस इज बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड, सेकेंड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, थर्ड ऑप्शन है मास एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, और देखो मास एनर्जी यहाँ पर बैलेंस नहीं होता, मास एनर्जी बैलेंस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर फिर पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिनका मास बहुत कम होता है, जीरो तो नहीं होता पर बहुत कम होता है, और ऐसे पार्टिकल कौन से होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, जो एनर्जी को क्या करने में काम करते हैं, बैलेंस करने के काम आते हैं, मास कंजर्वेशन एनर्जी बैलेंस यहाँ पर नहीं होता है, उसको बैलेंस करने के लिए फिर इसका यूज किया जाता है, एंटी न्यूट्रिनो का, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स वैलिड फॉर न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के लिए इनमें से कौन सा वैलिड है, मैंने आपको बताया न्यूट्रिनो का जो मास है वो बहुत कम होता है, जीरो नहीं होता है,
इट हैज अ वेरी स्मॉल मास, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू अल्फा। एक अल्फा पार्टिकल के लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और उसकी डिसइंटीग्रेशन के बीच एनर्जी के बीच का रिलेशन पूछा है। तो रिलेशन क्या है, ई अल्फा इक्वल्स टू क्यू अल्फा एम वाई, वाई का मतलब हो गया डॉटर, अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा। तो हमारे पास आंसर तो ये सही आ जाएगा। अब इसको कई बार आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, कैसे, ई अल्फा इक्वल्स टू क्यू अल्फा ए माइनस फोर अपॉन फोर ए, ए माइनस फोर अपॉन ए, ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। मैं इसको वापस से लिख देता हूं आपको देखने में समस्या ना हो, ए माइनस फोर अपॉन ए, इस तरह से भी आपको ये लिखा मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गाइगर नटल्स लॉ। तो गाइगर नटल्स लॉ के लिए कौन सा करेक्ट है, ये एल एन लैम्बडा इक्वल्स टू ए प्लस बी बीटा, ए प्लस बी है, बीटा नहीं है, ए प्लस बी एल एन आर। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑर्डर ऑफ, तो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किस ऑर्डर की होती है, 10^7 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रेंज। एक अल्फा पार्टिकल की रेंज और उसकी काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या करेक्ट रिलेशन होता है, ये हमें पूछा है। तो रेंज और ई मतलब एनर्जी, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू ए ई पावर 3/2, जहां ए क्या होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 0.315। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0.315। हमें पूछा बीटा माइनस डीके के लिए कौन सा करेक्ट है, N2P मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन से प्रोटॉन में, या न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ता है, तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑप्शन आएगा। फर्मी सिलेक्शन रूल्स फॉर अलाउड बीटा ट्रांजिशन। तो फर्मी सिलेक्शन रूल के अंदर क्या होता है, ना तो न्यूक्लियर स्पिन चेंज होती है ना ही पैरिटी चेंज होती है, ना तो न्यूक्लियर स्पिन चेंज होती है और ना ही पैरिटी चेंज होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर आएगा। एक्सर्जिक रिएक्शन क्यू वैल्यू, एक्सर्जिक या इसको आप एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक में जो क्यू वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होती है। एंडोथर्मिक आएगा या एंडोर्जिक, तो उसके केस में क्यू वैल्यू जीरो से कम होती है। तो यहां पर पूछा है एक्सोर्जिक, इसकी जगह एक्सोथर्मिक भी होता तो आंसर क्या आता, क्यू ग्रेटर देन जीरो। अगर आपसे पूछा जाता एंडोर्जिक या एंडोथर्मिक तो उसके लिए क्यू की वैल्यू एक से कम आती। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टी एच मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्यू, क्यू का मतलब क्यू एनर्जी, 1+mx/mx। अब ये क्या बोला है, हमारे पास ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, इस पर हमने बॉम्बार्टमेंट कराया mx, हमें जो प्रोडक्ट मिला वो my+my। ये पार्टिकल्स हैं जिन जो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहे हैं, तो क्या हो गया 1+mx/m M, capital MX, और यहां पर क्या आ गया, क्यू आ गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए द क्यू वैल्यू, इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है ना, ना तो एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक, क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। किसके लिए, इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। द कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती है ग्रेफाइट की, इसकी बनी होती है ग्रेफाइट की। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हैवी वाटर का यूज किया जाता है किसके रूप में, मॉडरेटर के रूप में, किसके फॉर्म में, मॉडरेटर के फॉर्म में। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर, एटम बॉम्ब, इन द कोर ऑफ सन और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो हम यूज करते हैं वो करते हैं एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर के अंदर। टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर लो एनर्जी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस स्कैटरिंग, लो एनर्जी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस स्कैटरिंग के लिए जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है लो एनर्जी का वो क्या होता है स्कैटरिंग का, तो उसका आंसर क्या आएगा, 10^-24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बर्न जो है, बर्न वो क्वाड्रिपोल मोमेंट की यूनिट भी होती है, और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन के क्रॉस सेक्शन एरिया की भी यूनिट होती है बर्न, और एक बर्न, एक बर्न बराबर होता है 10^-28 मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है बेसिकली। बर्न जो होती है वो एरिया की यूनिट होती है, और ये बराबर होता है 1 बर्न = 10^-28 मीटर स्क्वायर। टिपिकल न्यूक्लियर एक्साइटेशन एनर्जी आर अबाउट, टिपिकल न्यूक्लियर एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या वैल्यू होती है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। तो ये थे न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, जिनको आप देख कर जाएंगे एग्जाम के पहले या इनको आप देख लेंगे एक बार, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है इससे कहीं ना कहीं बूस्ट होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब कल हम किसी एक और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।